हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी किचन। आज हम आपके साथ बनाने वाले हैं क्रिस्पी गोल्डन कॉइंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे एक कटोरी आटा। उस आटे का चौथाई हिस्सा उसमें डालेंगे सूजी या फिर रवा, और बिल्कुल बारीक होना चाहिए वो, और इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे अब इसके अंदर, और डालेंगे अजवाइन। अजवाइन ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डाल दीजिएगा। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 चम्मच ऑयल, और इसको हाथ से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है। अगर आप इसको बिल्कुल पतला गूंदोगे तो फिर ये, अगर हम इसको रखेंगे थोड़े टाइम के लिए तो फिर बिल्कुल पतला हो जाएगा और जो हम इसको बनाना है वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए आटे को बिल्कुल नॉर्मल गूंदें, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। और अच्छे से इसको मत लेंगे। देख सकते हो आप, हमारा लगभग आटा तैयार हो ही गया है। हम इसको रख लेंगे और इसके ऊपर तेल डाल देंगे ताकि इसके ऊपर सूखने की परत ना आए, जो कि सूखने के बाद आ जाती है। और अब हम इसको ढककर रख देंगे एक प्लेट की हेल्प से, ताकि वो सूखे ना। अब एक बॉल देंगे, उसके अंदर हम 3 मीडियम साइज के आलू डालेंगे। हमने बॉईल कर लिए थे आलू। अब हम एक मैशर की हेल्प से इसको मैश कर लेंगे, या फिर आप हाथ से भी मैश कर सकते हो। हमने इसमें डाल दिया हरी मिर्च और प्याज। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो सी वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हों। अब हम इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बिकॉज हमने आटे में भी नमक डाला था, तो थोड़ा ध्यान से देखकर डालिएगा। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च और कुछ चिली फ्लेक्स। आप इसमें कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं जो आपके आपको अच्छे लगते हों और आपके बच्चे खुश होकर खाते हों। और इसको मिक्स कर लेंगे अब हम। ये हमारा आलू का मिक्सचर तैयार हो गया है। हम इसको साइड में कर देंगे, जो हमने आटा गूंदा था उसको। देखते हैं, 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको मथ लेंगे दोबारा से। देख सकते हो आप, आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इस आटे के 2 भाग करेंगे। रोटी से थोड़ा बड़ा पेड़ा हो इसका, बिकॉज हम इसको लंबा बेलना है, तो इसलिए हम इसका पेड़ा जो है थोड़ा बड़ा लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे एक बेलन की हेल्प से। आप चाहे तो उसको लंबे में बेल सकते हैं, गोलाई में भी बेल सकते हैं, बाकी जैसी शेप आ रही है आप उसमें वैसे भी बेल सकते हो। और ना इसको ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल रोटी जैसा ही रखना है। देखिए कितना, मतलब इसका जो कितना थिन है,
जो हमने ये रोटी मिल ली है। अब हम जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। स्पून की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से हाथ से ही हम इसको फैला लेंगे और अच्छे से इसको फिल करेंगे, साइड्स में बीच में अच्छे से डाल दीजिएगा। और अब हम इसको साइड से फोल्ड करना शुरू करेंगे। देख सकते हो आप फोल्ड होने लगा है, हम इसको सारी साइड से फोल्ड करेंगे, फोल्ड कर देंगे। और अब हम इसको साइड से बंद कर देंगे ताकि जो हमारा पेस्ट है वो बाहर निकले ना। और अब हम हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से रोल को घुमा लेंगे, बेल लेंगे एक तरह से, ताकि ये थोड़ा लंबा हो जाए और हमारा जो पेस्ट है इसके अंदर फिक्स हो जाए, बाहर ना निकले। अब एक नाइफ लेंगे उसके, अब हम एक नाइफ की हेल्प से इसको काट देंगे और 4-4 इंचेस के कट लगा देंगे। देख सकते हो आप हमने काट लिया है सारे पीसेस को। अब हम एक पीस उठाएंगे इसमें से और हाथ के बीच में रखेंगे और दूसरे हाथ से इसको पिचका देंगे ताकि जो इसका मिक्सचर है वो निकले ना। सभी को हम ऐसे पिचका लेंगे। देखिए हमारे पिनव्हील तैयार है। और अब हम एक पैन में रखेंगे गैस पर और उसके अंदर ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। हमने ऑयल डाल लिया है, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो हमने पिनव्हील तैयार किए थे वो डाल देंगे और इसको सिकने देंगे। इसको जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको सिकने दीजिएगा। और इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकें। अब हम एक स्पून की हेल्प से और नाइफ उस फॉक की हेल्प से इसको पलट देंगे और इसको थोड़े थोड़े टाइम बाद पलटते रहिए ताकि ये जले ना और जो इसका क्रंच है वो बना रहे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर सेकोगे तो ये जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं फिर इसके। और इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा बिकॉज़ ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चे तो इसको बहुत खुश होकर खाते हैं। आप इसको लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में बना सकते हो और सुबह आप इसको टिफ़िन में भी डालकर दे सकते हो। रात को पेस्ट तैयार कर लीजिए और सुबह आटा गूंदकर फटाफट बन जाते हैं। और कोई गेस्ट आए तो आप चाय के साथ सुबह या नाश्ते के साथ भी आप स्नैक्स के तौर पर खा सकते हो इसको। देखिए कितना सुंदर कलर आने लगा है इन पे। तब दोनों साइड से हल्का ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हम इसको सिकने देंगे। ये हो गए हैं तैयार। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे, टिश्यू के ऊपर निकालिएगा। देखिए हमने निकाल लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।